सबसे पहले देखते हैं अंडरपाइनिंग। लास्ट क्लास में ही बताया था क्या होता है अंडरपाइनिंग। सर कॉलेज में है क्या आप? नहीं यार मैं कॉलेज में नहीं हूँ, रूम पे ही हूँ। बैकग्राउंड लग रहा है। नहीं ये भाई जो रूम ले रखा है उसका बैकग्राउंड है भैया। देखो अंडरपाइनिंग क्या होता है ये बताया था, कभी भी जब फाउंडेशन को चेंज करना हो, मतलब या तो डीप में कन्वर्ट करना हो जब लोड ज़्यादा आ रहा हो, या फाउंडेशन में क्रैक्स वगैरह डेवलप हो गए हो, तो तब हम यूज करते हैं इसे। तो मैं लेआउट में डाउट क्यों आ रहा था, जब लेआउट इतना पढ़ा दिया था उससे पहले, सेंटर लाइन वगैरह वो सब समझा दिए थे, और 3-4-5 मेथड मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वो मेरा पार्ट नहीं था, सर्वे का पार्ट था। ये जब भी न्यू फाउंडेशन वगैरह मतलब क्या करते हैं ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वाटर लेवल बढ़ जाता है या पानी आ जाता है, तो इस जो फाउंडेशन को है इसको डीप करना होता है। डीप करने के लिए कौन सी फाउंडेशन पड़ी है हमने? डीप फाउंडेशन में हमने 3 तरह की फाउंडेशन पड़ी है, जिसमें हमने तो केवल एक ही पड़ी है, वो है पाइल फाउंडेशन, है ना। कभी कभी डीप करना पड़ जाता है या इसी फाउंडेशन को थोड़ा और इसकी डेप्थ इंक्रीज करनी पड़ती है, तो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड है कि क्या करना है, ठीक है। अब कब कब करते हैं, जब एक्सेसिव सेटलमेंट हो फाउंडेशन का, ठीक है, जिसके कारण क्रैकिंग ऑफ वॉल्स बीम्स वगैरह आने लगे। हेलो आवाज नहीं आ रही है क्या? मैं ऑडिबल और नॉट? हाँ ठीक है, फिर ठीक है ठीक है। अ बेसमेंट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, मतलब कोई एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उस पे बेसमेंट कंस्ट्रक्ट करना हो तब यूज करते हैं, ठीक है। लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ानी हो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग की तब यूज करते हैं, ठीक है। दो मेथड है, पिट और पाइल मेथड, ठीक है। सबसे पहले देखो पिट मेथड क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, ये जो है ना ये वाली ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वॉल है तुम्हारी, ठीक है। अब ये इसको बोलते हैं नीडल बीम, इस वॉल में क्या करते हैं होल करते हैं, एक ये जो वॉल है इसमें होल किया, इस होल को करने के बाद ये नीडल बीम इसमें डाली और विद द हेल्प ऑफ जैक इसको सपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो जो सुपर स्ट्रक्चर है इसके ऊपर जो भी स्ट्रक्चर होगा वो अब किस पे है, नीडल बीम पे। ये एक पर्टिकुलर लेंथ के बीच में डालते हैं, मतलब एक ही नहीं ऐसी कई बीम डालेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर तो हो गया, अब ये नीचे वाले स्ट्रक्चर में रिकंस्ट्रक्ट कर दिया ये वाला पोर्शन हमने। तो बेसिकली हमने यहाँ किया क्या, हमने इसकी डेप्थ बढ़ा दी, ये डेप्थ बढ़ा देंगे तो इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये हम उस केस में नहीं प्रोवाइड करते जब यहाँ वाटर लेवल वगैरह हो, क्योंकि यदि यहाँ वाटर लेवल वगैरह होगा ना तो इतनी ही डेप्थ बढ़ाने से काम नहीं चलेगा ना, जब वाटर ऑलरेडी इस लेवल पे, तो ये डेप्थ ज्यादा करनी पड़ेगी। तो इंस्टीड ऑफ गोइंग फॉर दिस हम जाते हैं पाइल मेथड पे। पाइल मेथड का भी सेम प्रोसीजर है, पाइल मेथड में क्या करते हैं वॉल में होल करते हैं, इंस्टीड ऑफ निडल बीम यहाँ पाइल कैप वही काम करता है, और ये पाइल को डीप इंसर्ट कर देते हैं, ये पाइल कैप मेथड है। पाइल कैप मेथड सबसे बेस्ट है, कहीं भी यूज कर सकते हैं, जहाँ वाटर लेवल हो कुछ भी हो, हर सिनेरियो में यूज कर सकते हैं। डाउट है किसी को इसमें? नो सर। किसी को भी कोई डाउट? नो सर। ये अंडरपाइनिंग ये पहले भी दिखा दी थी, इसके फोल्डिंग भी पहले ही दिखा दी थी तुम लोगों को, ठीक है। ये अब सेफ्टी रिलेटेड है, मतलब क्या क्या वहाँ सेफ्टी लें, तो ये सब तो तुम लोग पढ़ लोगे, इसमें सच कुछ ऐसा नहीं है स्पेसिफिक जो बताना ही हो, ठीक है। सेफ्टी कंसर्न क्या क्या होते हैं ये सब पढ़ लेना बेटा। वो छेद कैसे करते हैं वॉल में, छेद कैसे करते हैं? यार पॉसिबल नहीं है तुम्हें किसी साइट पे ले जाना, नहीं साइट पे ले जाके ही दिखाते तुम्हें, ठीक है। ये सेफ्टी कंसर्न है, ये पढ़ लेना, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अब मैं दूसरी स्लाइड ऑन करता हूँ, ठीक है। ये
वॉल की तो हो गई, अब पढ़ते हैं ब्रेक का। अब देखते हैं ब्रिक मैसनरी। पीपीटी दिख रही है सबको? यस सर। ठीक है। तो वॉल में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? वो इसके फोल्डिंग के टाइप वगैरह कौन पूछा था? जो भी पूछा था ना तो पढ़ लेना, फिर भी तुम्हें कोई डाउट आए ना तो पूछ लेना। ठीक है, इसको पढ़ेंगे थोड़ा अच्छे से, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है तो मेरे हिसाब से, किसी भी इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तुम्हारा यदि बीसी का भी वो होगा ना, बायो वगैरह होते होंगे बीसी लैब के। ये न्यू यूनिट नहीं है, यूनिट 3 का ही पार्ट है यार। यूनिट 3 ही इतनी बड़ी है, 2 दिन क्लास और ले जाएगी। अभी ब्रेक है, ब्रेक के बाद फिर हमें वो पढ़ना है स्टोन। बेटा तुम्हारा कॉलेज गिरेगा नहीं, ऐसा तुम हो कौन ये तो बताओ। पहले नाम बताओ अपना, नाम में ही तो सब कुछ रखा है, बिना नाम के क्या है। ठीक है, कोर्स क्या होता है? अब ये देखो, ये कुछ डेफिनेशन है जो रिलेटेड है विद ब्रिक मैसनरी। अब ब्रिक मैसनरी एक पर्टिकुलर, हाँ बेटा वॉल में बिट्टू कुछ बचा नहीं था, वो लास्ट वाला पोर्शन केवल अंडरपाइनिंग था। वो अंडरपाइनिंग के 2 टाइप होते हैं, पिट और पाइल, केवल वही समझाया। तो मैं फिर भी कोई डाउट रह जाए ना उसमें तो पूछ लेना, एक बार देख लेना खुद पढ़ के। बाकी रिकॉर्डिंग हो ही रही है, एक बार स्टार्टिंग वाला पार्ट देख लेना बिट्टू। कुछ नहीं था उसमें, वो छोटा सा पोर्शन था, वही कंप्लीट किया है केवल मैंने। ठीक है, अब ये पढ़ते हैं ब्रिक मैसनरी। ये तुम लोगों की ब्रेक होती है, उस दिन मैंने तुमसे डेटा पूछा था, तुम में से शायद एक दो ने ही वो भी नेट वेट पे सर्च करके तब बताया था मुझे। बेटा इसको रट लेना, जैसे बोलते हैं ना रट लेना, वो कर लेना इस डेटा को। ठीक है, जिन लोगों ने 19 × 9 × 9 बताया ना, 19 × 9 × 9 वो होता है स्टैंडर्ड साइज। ठीक है, और हमेशा याद रखो साथ में यूनिट जरूर बताते हैं, बिना यूनिट के सब इनकम्प्लीट है। ठीक है, जैसे मैम 1200 1200 बोल रही थी, तो तुम में से आधे से ज्यादा को पता ही नहीं चल रहा था कि 1200 है क्या। ठीक है, तो यूनिट, और हमेशा याद रखना कभी भी सिविल इंजीनियरिंग में कोई भी डायमेंशन बताओगे, कोई भी एक्स वाई जेड, सबसे पहले लोगे लेंथ, फिर लोगे विड्थ, फिर लोगे डेप्थ। यदि कहीं भी तुम्हें मिल जाए ना, उसमें तुम्हें ना पता चल रहा हो कि कौन सी लेंथ है, कौन सी विड्थ है, कौन सी डेप्थ है, तो यही प्रोसीजर फॉलो होता है हर जगह। ठीक है, देखो ब्रिक के मैंने सारे साइज लिखे हैं, कन्वेंशनल साइज इनको लिख लेना। ये पीपीटी तो तुम्हें अवेलेबल नहीं होगी, बुक में नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, 23 11.4 7.6, इसको हम अपनी देसी भाषा में बोलते हैं 9 इंचेस, 4.5 इंचेस, इंचेस को डबल डैश से शो करते हैं और फिट को सिंगल डैश से, और × 3 इंचेस। हाँ स्क्रीनशॉट ले लेना, जो तुम्हें सुटेबल लगे वो कर लेना, बस डेटा होना चाहिए। इसको बोलते हैं कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल साइज ऑफ ब्रिक। यही ब्रिक हम इंडिया में यूज करते हैं सबसे ज्यादा, मतलब इसी साइज की। ठीक है, ये स्टैंडर्ड और मॉड्यूलर ब्रिक साइज जो मैंने तुम्हें दिखाई 19 × 9 × 9, और इसको बोलते हैं नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक 20 × 10 × 10। मतलब कभी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कोई भी होगा ना, वायवा वगैरह कुछ भी हो रहा होगा, तो ये साइज तो तुमसे 100% पूछे जाएंगे। ये जो होता है ना नॉमिनल साइज, ये होता है विद मोटार, मतलब जैसे हम मोटार एप्लीकेशन कर देते हैं इस पे। ठीक है, तो मोटार लगा के जो साइज बनता है वो इतना बनता है। इन साइजेस में किसी को डाउट याद रखना, ये ट्रेडिशनल है, ये स्टैंडर्ड है, सॉरी स्टैंडर्ड है 19 × 9 × 9, और ये नॉमिनल है।
19 × 9 × 9 ये सेंटीमीटर में, 20 × 10 × 10 ये भी सेंटीमीटर में, mm में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई बाई 10 और हो जाएगा इंच उसमें। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। सबसे पहले देखो कोर्स क्या होता है। कोर्स इज अ हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ अ ब्रिक और स्टोन। ये जितनी भी टर्मिनोलॉजी है ना, ये पड़ा ब्रिक में रहा है लेकिन एप्लीकेबल ये स्टोन में भी है, मतलब स्टोन के लिए भी सेम टर्मिनोलॉजी होती है। तो ये पूरी एक लेयर जो होती है ना, इसको बोलते हैं कोर्स। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है हेडर कोर्स स्ट्रेचर। हेडर स्ट्रेचर अभी छोड़ो, केवल कोर्स देखो। ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल लेयर, इसको बोलते हैं कोर्स। अब आओ नेक्स्ट टर्म, मतलब जितने मैक्सिमम टर्म हो सकते हैं ना ब्रिक के अंदर, वो सारे कवर किए हैं इसमें। इसके बाद मुझे नहीं लगता कोई टर्म रह जाएगा। बेड क्या है? इट इज द लोअर सरफेस ऑफ द ब्रिक और स्टोन इन ईच कोर्स। ठीक है, हर कोर्स का जो लोअर सरफेस होता है, जैसे ये इसी से समझो, जैसे ये ब्रिक है ना, इसका जो लोअर मोस्ट सरफेस होगा, ये वाला कोई सरफेस होगा लोअर मोस्ट इसका, ये नीचे वाला। तो ये जो नीचे वाला सरफेस है इसको बोलते हैं बेड। ठीक है, इसके बाद होता है बैकिंग, बैकिंग फेसिंग और हर्टिंग। इन तीनों को एक साथ समझो। देखो ये वाली फिगर देखो, ये फ्रंट जो फेस होता है इसको बोलते हैं फेसिंग। ठीक है, ये बैक वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं रैकिंग और इसको बोलते हैं हर्टिंग। एक मिनट वेट करो, तुम में से किसी का मैसेज आया है? ये सब भी कर रहे हो क्या तुम यहाँ बैठ के पर्सनली मैसेज भेज भेज के? ये जे आर कौन है? तो जे आर भी है क्या इसमें? ठीक है, इसके बाद जॉइंट क्या होता है? इट इज द जंक्शन ऑफ टू और मोर ब्रिक और स्टोन। मतलब दो और मोर ब्रिक, मतलब दो या दो से ज्यादा ब्रिक या स्टोन हो, उनके जंक्शन को बोलते हैं। जैसे ये है, इनको बोलते हैं जॉइंट्स। ठीक है, हर्टिंग बेटा ये मिडिल वाली ब्रिक जो होती है ना, ये तीन लेयर है इसमें, दिख रही होंगी, एक दो तीन। ठीक है, तो ये जो मिडिल में जो लेयर होती है ना, उसको बोलते हैं हर्टिंग। मतलब फेसिंग और बैकिंग के बीच की जो लेयर होती है। अभी डाउट है कोई इसमें हर्टिंग में? क्या चीज? है क्या डाउट है अभी भी? ठीक है, अब देखो हेडर और स्ट्रेचर क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है इसमें, हेडर और स्ट्रेचर क्या होता है। तो जो ये लिखा है ना स्ट्रेचर, जब ब्रिक को लेंथ के अलोंग पुट करते हैं, जैसे ये इसकी लेंथ, इसकी लेंथ कितनी होगी ब्रिक की? स्टैंडर्ड ही बताओ। जब इसको लेंथ के अलोंग, जो फेसिंग तुम्हें शो हो रही है ना, वो लेंथ के अलोंग है, तो इसको बोलते हैं हेडर, सॉरी स्ट्रेचर। ठीक है, और जब इसको इसकी विड्थ और डेप्थ के अलोंग पुट करते हैं, तो इसको बोलते हैं हेडर। तो पहले वाला हो गया स्ट्रेचर और ये वाला हो गया हेडर। जैसे ये है, ये जब लेंथ के अलोंग है तो हो गया स्ट्रेचर, और जब विड्थ के अलोंग है तो हो गया हेडर। ठीक है, इसके बाद बॉन्ड क्या होता है?
बॉन्ड जो है ना, ये जो मेथड है ऑफ अरेंजिंग ब्रिक्स, ये इनको बोलते हैं बॉन्ड्स। अब इनमें से मैं बताऊंगा कौन सा सही बॉन्ड है कौन सा नहीं है, तो बाद में देखेंगे। ये जो अरेंजमेंट है अरेंजिंग ऑफ ब्रिक्स, इसको बोलते हैं बॉन्ड। बॉन्ड के बाद नेक्स्ट आता है बेड। इट इज द पोर्शन ऑफ ब्रिक कट अक्रॉस इट्स विड्थ। ठीक है, जब अपनी विड्थ के अक्रॉस कट करते हैं, ये विड्थ के अक्रॉस कट है ना ये, तो उसको बोलते हैं बेड। मतलब इतना पोर्शन बचेगा केवल, ठीक है, इसको बोलते हैं हाफ बेड। और यदि 3/4 कट करें, जैसे 3/4 बोल रहे हैं, मतलब कि 3/4 पोर्शन बचा है केवल हमारे पास ब्रिक का, तो उसको बोलते हैं 3/4 बेड। ठीक है, फिर आता है क्यून क्लोजर। क्यून क्लोजर क्या होता है? इट इज अ पोर्शन ऑफ द ब्रिक ऑब्टेन्ड बाय कटिंग द ब्रिक लॉन्गिट्यूडनली इनटू टू पार्ट्स, मतलब अलोंग इट्स लेंथ इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये लेंथ के अलोंग जब ब्रिक को कट करते हैं, इसको बोलते हैं क्यून क्लोजर। ठीक है, किंग क्लोजर क्या होता है? इट इज अ पोर्शन ऑफ द ब्रिक ऑब्टेन्ड बाय कटिंग अ ट्रायंगुलर पीस बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ द साइड। किंग क्लोजर ये, इसमें क्या करते हैं? अलोंग द लेंथ एंड अलोंग द अलोंग द विड्थ और अलोंग द लेंथ, इनके मिड में से कट कर देते हैं, तो ये एक ट्राइंगुलर पोर्शन ऑब्टेंड हो जाएगा। ये कट हो जाएगा, इसके बाद जो पोर्शन बचेगा उसको बोलते हैं किंग क्लोजर। ठीक है, बेवल्ड क्लोजर क्या होता है? इट इज द पोर्शन ऑफ द ब्रिक इन विच लेंथ ऑफ द ब्रिक इज बेवल्ड फॉर हाफ विड्थ, मतलब कि ये विड्थ के अलोंग तो हाफ करते हैं कट, लेकिन लेंथ के अलोंग पूरी कर देते हैं, इसको बोलते हैं बेवल्ड क्लोजर। ठीक है, इसके बाद फ्रॉग क्या होता है? इट इज द डिप्रेशन ऑन द टॉप फेस ऑफ द ब्रेक मेड टू फॉर्म अ की ऑफ मोटर बिटवीन द कोर्स ऑफ ब्रेक। ये होता है फ्रॉग, ये जो देख रहा है, इसका साइज भी याद रखना, मतलब 80% जनता को इसका साइज भी याद नहीं रहता है। 100 × 40 × 10 mm। अच्छा, इसका यूज क्या होता है? ब्रेक तो तुम लोगों ने पढ़ी है, किंग और क्यून क्लोजर में अभी बता रहा हूँ, पहले फ्रॉग बताओ तुम लोग। किंग और क्यून क्लोजर पहले कर देता हूँ। किंग में क्या करते हैं, सॉरी क्यून में क्या करते हैं, अलोंग द लेंथ कट करते हैं ब्रिक को। मान के चलो ब्रिक थी 19 × 9 × 9 की। अब तुम ही बताओ, यदि क्यून क्लोजर होगा तो विड्थ लेंथ और डेप्थ कितनी बचेगी ब्रिक की, यदि क्यून क्लोजर है तो। और किंग क्लोजर में क्या करेंगे, दोनों साइड के बीच में से कट करेंगे। ठीक है, ये लेंथ के भी मिड में से कट करेंगे और विड्थ के भी मिड में से कट करेंगे, तो उसको बोलेंगे किंग क्लोजर। डाउट है किसी को अभी भी इसमें? फ्रॉग का यूज बताओ जब तक। फ्रॉग का क्या यूज है? फ्रिक्शन कम करने के लिए। क्या कम करने के लिए? फ्रिक्शन चाहे इधर उधर चाहे ना, फ्रिक्शन कम करने के लिए कि ज्यादा करने के लिए? सर बॉन्ड बनाने के लिए रहता है ब्रिक्स के बीच में। बॉन्ड बनाने के लिए सही है, फ्रिक्शन बेटा कम नहीं करेगा, फ्रिक्शन ज्यादा करेगा। हाँ सर, वही ज्यादा। हाँ, ये बेसिकली यदि एग्जैक्ट डेफिनेशन बोली जाए ना, इसके दो होते हैं। एक तो लोग इस पे अपना नाम प्रिंट करवा लेते हैं, जिस भी ब्रांड की ब्रेक होती है, देखा होगा तुमने, ABC फलाना ठिकाना जो भी नाम होता है वो लिखवा लेते हैं। दूसरा जो मेन काम होता है, जो सिविल इंजीनियरिंग में इंपॉर्टेंट होता है, इसके अंदर क्या होता है, मोटार फिल हो जाता है। ठीक है, जब मोटार फिल हो जाता है तो ये एक्ट करता है एज अ सीयर की। सीयर की का क्या काम होता है? सीयर की हमें स्लाइडिंग में हेल्प करती है, मतलब कि एक, हाँ बॉन्ड अच्छा बनता है, सही है। ये दो ब्रिक के बीच का जो बॉन्ड है ना, इनके बीच की जो सीयर होगी उसमें हेल्प करता है ये। अब
फॉग की डायमेंशन तो मैं बता ही दी, 100 × 40 × 10। फॉग की डायमेंशन याद रखना क्या होती है, कोइन क्या होती है, दीज आर द ब्रिक। कोइन को क्या करते हैं, कॉर्नर में प्रोवाइड करते हैं, ये वाली जो ब्रिक होती है ना एट द कॉर्नर मोस्ट पोर्शन, इसको बोलते हैं कोइन। ठीक है, जैसे वॉल है, परपेंडिकुलर वॉल दो रन कर रही है, तो उनके जो कॉर्नर वाली ब्रिक होगी उनको बोलते हैं कोइन। इसके बाद बुल नोज क्या है, स्टैंडर्ड ब्रिक हैविंग इट्स वन और मोर एज राउंड ऑफ, मतलब कि एक एज को इसकी राउंड ऑफ कर देते हैं, जैसे ये है, एक को कर दो, दो को कर दो, और रह गया क्या कोई। अब इनमें डेफिनेशन में किसी को कोई डाउट, अभी तक किसी भी डेफिनेशन में किसी को कोई डाउट ब्रिक की, अभी ब्रिक मैसनरी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, केवल ब्रिक ब्रिक चल रहा है। है क्या किसी को कोई डाउट? फ्रॉग का साइज बेटा ये लिख रहा 100 × 40 × 10। अच्छा, इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, वन इंच इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? हाँ सही है, 2.54 से। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कोई डाउट यहां तक किसी को? सर हाँ, बुल नोज ब्रिक की कटिंग कैसे करेंगे? बुल नोज ब्रिक कटिंग करने में क्या दिक्कत है, जब इनकी कटिंग कर ले रहे हैं तो आसानी से, मतलब उसकी कटिंग में ऐसा क्या है जो नहीं कर पाएंगे? सर उसपे कव बनता है ना, क्या होता है, कर्व बनता है। हाँ तो कर्व नहीं बना पाओगे तुम, कर्व बनाना इतना टफ है क्या? सुमित है क्या? हाँ सुमित, सर वो मजदूर अपने आप कर लेगा। कौन अपने आप कर लेगा? मजदूर। हाँ वही करेंगे, और क्या तुम थोड़ी ना करोगे। बाकी तुमने क्लास ऑफ ब्रिक तो पढ़ी होंगी ना, वो सब पढ़ाने की तो जरूरत नहीं है, क्लास ए क्लास बी क्लास सी। भूल गए बेटा, रिवाइज करना भूल गए हो तो। ये हम कोई पढ़ी नहीं थी, सो रहे थे तो। कोई ना, आप उठ जाओ, जब सो रहे थे कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं सोना बस। यहाँ तक अभी तक इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़े। अब पढ़ते हैं बॉन्ड। बॉन्ड मैंने पहले बता दिया कि बॉन्ड होता क्या है, ठीक है। द मेथड ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ बिल्डिंग यूनिट इन अ कोर्स टू अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूस वर्टिकल जॉइंट। अब ये समझो, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मतलब जहाँ लॉजिक लगते हैं ना वो मुझे थोड़ा इम्पोर्टेंट लगता है। तो कभी भी हम वॉल ऐसे नहीं देते हैं, तुम्हारे घर में भी होंगे, देखी होंगे तुमने, हमेशा ऐसे देते हैं। इसका रीजन क्या है सर? मोटा ताकि ठीक से बैठ जाए और निकले ना। क्या सर? लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। नहीं सर, मोटर जो जो इसमें फील होता है वो इधर निकले ना, कभी नीचे ना चला जाएगा, सीधी रख देंगे तो। सीधी दे देंगे तो मोटर नीचे क्यों जाएगा? फैब्रिक गिरे ना, लोड को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करे वॉल। सॉरी एग्जैक्ट बताओ, मतलब वो वाली फील नहीं आ रही सिविल इंजीनियरिंग वाली। सर ऊपर वाले ब्रेक का लोड दोनों ब्रेक पे डिस्ट्रीब्यूट हो इक्वली, दोनों ब्रेक पे इक्वली, मतलब सही है लॉजिक थोड़ा थोड़ा, बट पूरा नहीं है। पूछा क्या है? क्या पूछे क्या यार? ये पूछ रहा हूं कि ये पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है एक मिनट सुन लो, पहले क्वेश्चन सुन लो, कुछ लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ये दो फिगर दिख रही है? यस सर। इन दोनों, ये लास्ट टॉपिक है आज का, बस यही पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इन दोनों में से कौन सा तुमने अपने घर में देखा है पहले तो यही बता दो।
जिसमें भी पहला वाला देखा है ना वो अपने घर बैठो आराम से, ठीक है, ये वाला देखा होगा मोस्टली, ठीक है। इसमें भी और तरीके के होते हैं, वो अलग अलग हैं, केवल ये एक वो है। इसमें भी अभी हम पढ़ेंगे बॉन्ड्स के क्या क्या टाइप होते हैं, ठीक है। तो यही क्यों देते हैं, ये क्यों नहीं देते हैं? इंटरलॉक प्रोवाइड करने के लिए ब्रिक्स के बीच में, ताकि बॉल को सपोर्ट कर सके। एक चीज बताओ, कोई भी स्ट्रक्चर फेल होता है तो वो कहां से होता है? कॉमन सेंस है थोड़ा सा, मान के चलो मेरी भी कोई हड्डी वड्डी टूटेगी तो कहां से टूटेगी? किसी भी जॉइंट से। जॉइंट से, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है, जॉइंट से, ठीक है। कभी भी याद रखना, सबसे वीकेस्ट पोर्शन किसी भी स्ट्रक्चर के होते हैं जॉइंट, मतलब हम उसी के लिए डिजाइन करते हैं कोई भी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, जॉइंट कंटिन्यूएशन हो गया। मान के चलो ये जॉइंट फेल होगा ना, तो सारे जॉइंट फेल हो जाएंगे एक जॉइंट फेल होने के कारण, होंगे या नहीं? समझ में आई? नहीं, एक भी जॉइंट फेल हुआ ना, सारा फेल हो जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, एक तो जो जॉइंट है वो एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे, तो कभी भी फेल्योर एक जॉइंट फेल्योर की वजह से और जॉइंट फेल्योर नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, जब लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, इस केस में जिस भी पॉइंट पे लोड लगाओगे ना, अरे नीचे ट्रांसफर होगा, मतलब ये वाली पोर्शन, ये वाले पोर्शन लोड के कॉन्टेक्ट में ही नहीं आएंगे। मतलब यदि लोड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ देखेंगे ना, बहुत नॉन यूनिफॉर्म होगा, केवल इसी वाले पोर्शन पे लोड होगा, ठीक है। अब इस वाले केस में क्या होगा, जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, उसका डिस्पर्जन हो जाएगा। तुमने एक ट्रिक पे लगाया, वो दो पे ट्रांसफर होगा, वो तीन पे, वो चार पे, वो पांच पे, तो नीचे तक जाते जाते पूरे स्ट्रक्चर पे लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ये जो डिस्पर्जन दिखा रहा है तुम्हें। अब आया बात समझ में कि बॉन्डिंग होती क्या है? अभी भी किसी को इस चीज में कोई डाउट हो, बॉन्ड में अभी भी किसी को कोई डाउट रह गया हो तो पूछो। ये सब तो यार पढ़ल हो गए, डेफिनेशन है, लॉजिक तो यही था, बस वो खत्म हो गया, ठीक है। बॉन्ड का काम क्या होता है, इट ब्रेक द कंटिन्यूटी ऑफ वर्टिकल। पूछो, क्लियर है ना? नहीं तो अपना माइक ऑफ करो। इट ब्रेक द कंटिन्यूटी, रुक जाए तो ना। अरे यार, इट ब्रेक द कंटिन्यूटी ऑफ वर्टिकल जॉइंट्स। It breaks the continuity of vertical joint and result in uniform distribution of load. ठीक है, it makes the wall act as a single unit. वो समझ नहीं आ रहा है, जब load dispersion होगा तो सीधी सी बात है वो एक single unit की तरह काम करेगा, ठीक है। It result in better interlocking of the brick. Interlocking अच्छी हो जाती है इसके कारण, ठीक है। जब uniform मतलब एक ही side में दे दोगे तो यहाँ interlocking के तो कोई चांस ही नहीं है, यहाँ कहाँ से तुम्हें interlocking मिल जाएगी? इस वाली चीज में तुम्हें interlocking मिल जाती है, ठीक है। इट इम्पार्ट लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ टू द स्ट्रक्चर। इट ऑल्सो प्रोवाइड अ प्लीजिंग अपीयरेंस। देखने में भी लग रहा होगा थोड़ा अच्छा लग रहा है इसके कंपैरिजन में। किसी को कोई डाउट यहां तक इन डेफिनेशन और बॉन्ड के अंदर? नो सर। अब बस नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे ब्रेक और स्टोन दोनों को खत्म कर दें। अभी तक यहां तक भी किसी को फाउंडेशन में कोई दिक्कत हो, उससे पहले बिल्डिंग में कोई दिक्कत हो, या वॉल्स में दिक्कत हो, ब्रेक की तो अभी बेसिक डेफिनेशन ही पड़ी है, ये सब तुम पहले भी कवर कर चुके हो, बस तुम्हारे सॉर्ट ऑफ रिवीजन के लिए मैंने बताया है। कोई है किसी को कोई भी डाउट हो?